दिस इज योर होस्ट अंकुश कुमार, क्या हाल? भाई गुड मॉर्निंग, सुबह की राइड है, फुटबॉल खेलने जा रहे हैं भाई, थोड़ी सी एक्सरसाइज भी होनी चाहिए। खुल जा भाई, तू खुल जा, खुल जा, खुल जा। सुबह सुबह गाड़ी चलाने का मजा ही कुछ और है, पैरों में ठंड लग रही है, उठने तक ही डाला हुआ है। ओके ओके ओके, ये बात तो घनी गलत हो गई आज। किधर खेलेंगे यार, ऐसे मत खेल, ऐसे खेलते नहीं 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 देखो, तू भांग विंग पी के आएगा सुबह? ग्राउंड है ना, सुबह सुबह झगड़ा। सुबह सुबह झगड़ा, अरे मान जा मेरी बात, मान जा। फुटबॉल तो अपना बहुत पहले से चालू है अपनी निंजा। जी हाँ, इधर को बीडी भास्कर की बात याद है क्या? स्कूल टाइम से इनका सब टेढ़ा है, टेढ़ा है, जैसे ये शॉट मारते ना टेढ़ा ही मारते। ए शिंदे, ये देख उधर से टेढ़ा मारा, मेरी तरफ आया, मेरी भी पूरी टेक्निक है। कसम से कल रात को 3 बजे तक मैं बैठा हुआ था और मैं पूरा का पूरा लद्दाख मैप तैयार कर रहा था 3 बजे तक। हर एक स्पॉट, हर एक शहर, जो छोटे छोटे गांव लगते हैं ना, एकदम छोटे छोटे 2-4 घर हो गए, उन गांव तक के जो चेक पोस्ट लगते हैं आर्मी के, और कहां पे क्या परमिट है, क्या है। अभी मेरे को एक बहुत बड़ा सीन लग रहा है भाई, बहुत बड़ा सीन लग रहा है। अभी मेरे को जितने कमेंट्स आए हैं आज तक लद्दाख को लेकर, मेरे को बहुत लोगों का आया कि भाई अपन ने कर चुके। एक बंदा कोई तो भी उसने बोला मैंने गर्लफ्रेंड के साथ लद्दाख किया है सोलो, बंदा सोलो था। तो भाई आप में से किसी ने भी लद्दाख किया मुझे एक बार बताना, अपने साथ एक सीन हो चुका है। मैंने रैप कराया था सीकर राजस्थान से, आप लोग जानते हैं, आपने मॉडिफिकेशन की वो राइड देखी होगी, तो रैप चढ़ा हुआ है। अभी परमिट लेने के लिए लद्दाख में कोई इशू ना आ जाए, अगर वो हार्डली बहुत ही हार्ड चेकिंग करते हैं आरसी के ऊपर, तो गन मेटल ग्रे लिखा है, अगर कलर की इतनी ज़्यादा चेकिंग होती है सीरियसली होके बताना, ऐसा वो डाउट में मत बताना, हल्का से भी 1% भी डाउट है ना, तो भाई कमेंट सेक्शन में कुछ ना बोलिए। अगर आप कन्फर्म है कि हाँ मेरी गाड़ी का कलर भी आरसी में देख कर चेक किया था, मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ तो भाई वो दोपहर हो गई है और अभी जस्ट निकला हूँ मैं बाहर किसी बैंक के काम से, उसके बाद मेरे को जिम जाना है। जिम में मतलब ऐसा सीन हो रहा है मेरे साथ, आप लोगों को चेंजेस जैसे धीरे धीरे नजर आएंगे वैसे बता देना। पहले मेरी बॉडी डाउन जाएगी, मैं पहले बता दूँ, मेरी बॉडी पहले डाउन जाने वाली है, उसके बाद बॉडी बिल्ड होगी। यानी कि पहले हम लोग फैट घटा रहे हैं, फैट घटा रहे हैं, ऐसा लगेगा भाई कमजोरी आ रही है, वीकनेस आ रही है, गाल थोड़े से अंदर लगने लगेंगे, उसके बाद मसल निकल के आएगी। सुबह से 6 अंडे खाए हैं, पूरा दिन हो गया, खाना खाने का इतना मन कर रहा है शिंदे, सुबह से भूखा हूँ, 6 अंडे खाए हैं, अरे सब मन कर रहा है कि कुछ खा लूँ, पर मतलब इच्छा हो रही है कि खाना, सिर्फ 6 अंडे खाए सुबह से। वो भी सिर्फ बोल रहे हैं। नहीं मेरा रिकॉर्ड है 50 अंडों का, एक बार 50 अंडे। नहीं नहीं वो कॉम्पिटिशन से पहले, उसको बहुत साल हो गए, बॉडी बिल्डिंग करता था जब मैं, नहीं नहीं हीट बहुत है, बहुत ज़्यादा हीट है, लेकिन उस टाइम मेरा वजन 99 kg था, और बाइसेप्स थे मेरे 18-19 के। ये हमारे अंकल हैं फर्नीचर वाले, मेरी सिस्टर की जो शादी हुई थी सारा सामान यहीं से गया था, इसी शोरूम से, और अंकल ने हमें पहचाना नहीं, राम कुमार जी, वो पूरा सामान गया था मेरी सिस्टर की शादी का। हाँ हाँ, नगर भेजा था। तो ये शॉप का नाम बता दीजिए आप। साई किरण, साई किरण, अपना ये ऑरेंज ट्री होटल के एकदम एग्जैक्ट बैक साइड में है ना, नासिक रोड में, बहुत ही बेस्ट है फर्नीचर, अगर किसी को भी परचेज करना है तो यहाँ पे आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा, और फिक्स रेट का शॉप है, एकदम फिक्स रेट है। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ मैं, मतलब यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, इनके 3 फ्लोर हैं, तीन पूरे के पूरे 3 फ्लोर है भाई, कोई भी सामान खरीदना है ना, हर चीज़ आपके माइंड में जो चल रहा है मिल जाएगा, लैपटॉप पे मिल जाएगा, नहीं और अगर कुछ नहीं भी मिला तो लैपटॉप पे मिल जाएगा, वो मंगा लेंगे। करेक्ट, मंगा लेंगे, इटली से भी मंगा सकते, इटली से भी मंगा सकते हैं। मतलब कौन सा ब्रांड रखते हैं हम लोग यहाँ पे? सब, मैं तो नीलकमल का है, और सब मलेशिया है, थाईलैंड है, चाइना है,
मलेशिया, थाईलैंड और उसके बाद नीलकमल। नीलकमल तो भाई मेरे पूरे घर में नीलकमल का ब्रांड है, और शिंदे भी आज देखो परचेजिंग हो ही गई है। शोरूम वाले थे, जो ऑनर थे वहाँ के, उन्होंने बोला कि हमको 30 से 35 साल हो चुके हैं यहाँ पे इस एरिया में, यहाँ पे उनका शोरूम है ऑरेंज ट्री के एकदम पीछे इस रोड पे, ये दत्त मंदिर को रोड ज्वाइन होती है। उन्होंने मुझे एक किस्सा बताया, मेरी जिंदगी में इतने सारे अपडाउन आए, इतने सारे अपडाउन, ये इंस्पिरेशन है भाई। आप लोग में से कुछ लोग बोलते ना कि भाई तेरे को देख के ना इंस्पिरेशन मिलती है, तेरी वीडियोज को देख के मतलब हिम्मत मिलती है कि भाई हिम्मत नहीं हारनी, जिंदगी में लगे रहना है। तो उन अंकल ने एक बात बताई कि इतने अपडाउन आए मेरी जिंदगी में, इतने अपडाउन। एक बार क्या हुआ था कि दिवाली का टाइम था, कुछ साइड में भंगर वालों का काम था, ऑयल वगैरह था, मेरा पूरा का पूरा जो टपरी थी, टपरी से शुरू किया, आज 3 मंजिला शोरूम है डायरेक्ट टपरी से शुरू करके, तो पूरा का पूरा वो टपरी जल गई थी, जलकर राख हो गई थी, सारा सामान, सारे सोफे सब जल गया था, दोबारा से शुरू किया। ऐसा उनकी ज़िंदगी में 2-3 अपडाउन आए कि मतलब सब ऐसा उनको लगा कि ख़त्म है अभी सब, लेकिन उन्होंने फिर शुरुआत की, फिर से आज देखो यार, मतलब ऐसे लोगों को देख कर ना ऐसा मन होता है कि नहीं यार छोड़ने का नहीं, कुछ भी हो जाए लाइफ में, कुछ भी हो जाए छोड़ने का नहीं, इसने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, दुनिया फिर पूछती नहीं। आज इनको अपन क्यों पूछ रहे जाके, क्योंकि इन्होंने छोड़ा नहीं उस समय, हिम्मत बनाए रखी, नहीं तो इनको कौन पूछता भाई, रहते अपने गाँव में किधर चले गए होते। बहुत बड़ी बात है भाई, बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप लोग थक हार के घर आते हो, वीडियो ऑन करते हो, देखते हो, तो आप लोगों को पता चलना चाहिए कि जिंदगी में ऐसे भी लोग हैं, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कभी भी अपने काम को छोड़ा नहीं, और वो उस काम में लगे रहे सालों साल, आइडियाज मिलते गए, बड़े होते गए, और आज देखो हे माजे वडील एकदम चार साल तुम्ही बघा। इसी के साथ आज के व्लॉग को बस हम यहीं तक रखते हैं। इफ यू लाइक दिस व्लॉग प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, और मिलते जल्दी कल के व्लॉग में, यानी कि कल शाम 7 बजे। नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, और हमेशा इधर राधे राधे, सलूट, शुभ खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, मिलते हैं। कहाँ से शुरू किया था, फुटबॉल खेल के शुरू किया, घर आए, फिर इधर गए, उधर गए, उधर गए, वापस मॉर्निंग में आके बैठ गए, यही जिंदगी है। चलो बाय बाय, कल मिलते हैं। मतलब पृथ्वी गोल है, कहीं भी जाओगे दुनिया में वापस आके इधर ही बैठोगे यार। आजकल पता नहीं क्या होता है यार, लोग बोलने लगे, बहुत भाषण देने लग गए यार, यार मेरी जिंदगी भाषण बन गई है बाबा। बोल रहा हूँ इधर स्केट मारेंगे।